बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मलिक नईम एंटरटेनमेंट। अल्लाह आपके खानों में, आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आए हैं जो ना आपने मार्केट में उसको देखा होगा, ना कभी खाया होगा। वो है ट्रिपल लेयर चीज़ सैंडविच। आइए आपको बताएं ट्रिपल लेयर चीज़ सैंडविच कैसे बनाते हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले एक दरमियानी शिमला मिर्च, एक अदद दरमियाना प्याज, एक अदद दरमियाना टमाटर, काली मिर्च जितना आपको ज़रूरत हो, नमक जितना आपको ज़रूरत हो, लाल मिर्च जितनी आपको ज़रूरत हो, एक कप चीज़ हम लेंगे। आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक पाव बोनलेस चिकन लेंगे, उसको उबाल लेंगे। एक कप हमारे पास मकई के दाने हैं, ये भी आप उबाल लेंगे। और होम मेड बटर हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद हमारे पास जो है, और इसके साथ पिज़्ज़ा सॉस हमें ज़रूरत होगा, ऑरेगानो लीव्स, और उसके साथ मायोनीज, और उसके साथ हमें ब्रेड ज़रूरत होगी। आइए इन तमाम चीज़ों का हम अमेज़ा बनाएं। अब हम एक बाउल लेंगे, उस बाउल में उबला हुआ चिकन डाल देंगे, कटी हुई प्याज, कटा हुआ टमाटर, कटी हुई शिमला मिर्च और तमाम स्पाइसेस, और उसके साथ मकई के दाने आधा कप उबले हुए, वो हम डाल दें। चिकन और सब्ज़ियों को मिक्स करने के बाद हमने उनको दो बाउल में तकसीम कर लिया है। एक में दो चम्मच मायोनीज डाला है और एक में हमने डेढ़ चम्मच पिज़्ज़ा सॉस डाला है। अब इनको आपस में मिक्स करेंगे। अब हम ब्रेड के तीन स्लाइस लेंगे और उनके ऊपर होममेड बटर लगाएंगे, उसके बाद उसको सेक लेंगे। एक स्लाइस के ऊपर होममेड बटर लगा के हम उसको सेक लेंगे, ब्राउन होने तक हम उसको उतार लेंगे ताकि वो क्रिस्पी हो जाए। जो तीन स्लाइस हमने ली थी उन तीनों को हमने बटर लगा लेना है, लेकिन उनमें से एक स्लाइस को हमने सेक लेना है, उसको हल्का ब्राउन कर लेना है। अब हम स्टफिंग की तरफ आएंगे। दो बाउल हमने रेडी किए थे, उनमें सबसे पहले जो है हम एक ब्रेड के ऊपर जो हमने सेकी नहीं है उसके ऊपर हल्का सा जो है वो हम पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे हल्का सा। उसके बाद जो हमने स्टफिंग की थी, दो बाउल तैयार किए थे, उसमें से एक बाउल जिसमें हमने पिज़्ज़ा सॉस डाला था उसकी हम क्या कर लेंगे, स्टफिंग कर लेंगे। ये देखें जी, उसके बाद जो है हम उसके ऊपर मायोनीज डालेंगे। इसके बाद इसके ऊपर जो गार्निश हमने चीज़ की है वो डाल देंगे। चीज़ मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। आप जितनी इस्तेमाल करें अपनी ज़रूरत के मुताबिक, पसंद के मुताबिक। अब इसके ऊपर वो ब्रेड जो हमने सेकी थी, जिसको ब्राउन किया था, वो रख देंगे और थोड़ा सा इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे। अब हम जो है इस ब्रेड के ऊपर मायोनीज लगा देंगे थोड़ी सी, और उसको जो है हम मेल्ट कर लेंगे, फैला देंगे ब्रेड के ऊपर। और उसके साथ जो बाउल हमारा मायोनीज वाला था उसके साथ हम इसकी स्टफिंग कर देंगे। बहुत मज़ेदार और जूसी सैंडविच तैयार होने वाला है। थ्री लेयर चीज़ सैंडविच हमारा तैयार होने वाला है। अब हम जो है इस ब्रेड के ऊपर मायोनीज लगा देंगे थोड़ी सी, और उसको जो है फैला देंगे ब्रेड के ऊपर। और उसके साथ जो बाउल हमारा मायोनीज वाला था उसके साथ हम इसकी स्टफिंग कर देंगे। बहुत मज़ेदार और जूसी सैंडविच तैयार होने वाला है। अब दोबारा से होममेड चीज़ जो है हम इसके ऊपर डाल देंगे, होममेड मोज़रेला चीज़। अब दोबारा इसके ऊपर थर्ड जो है वो स्लाइस हम रख देंगे। लास्ट में पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद चीज़ लगाएंगे, चीज़ के बाद हम उसके ऊपर हल्का सा ऑरेगानो छिड़क देंगे। पैन को बटर लगाने के बाद थ्री लेयर सैंडविच जो है उसमें रख देंगे और 6 से 7 मिनट तक हम उसको पकाएंगे। पैन के ऊपर अब ढक्कन रख देंगे और 6 से 7 मिनट तक इसको पकने देंगे ताकि हमारी जो चीज़ है ये मेल्ट हो जाए। माशाल्लाह जी, थ्री लेयर चीज़ सैंडविच हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत मज़ेदार और यमी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, थ्री लेयर चीज़ सैंडविच हमारा बिल्कुल रेडी है। हमारी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे
तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और अपनी राय का इजहार कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।